गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में हम भाषा, लिपि और व्याकरण के अगले भाग को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले की कक्षा में हमने जाना कि भाषा क्या है, भाषा के संपूर्ण भाग को हमने पढ़ा। आज की कक्षा में हम जानेंगे हमारे अगले भाग को, वो है लिपि। तो आज की कक्षा में हम जानेंगे लिपि होती क्या है और लिपि का प्रयोग हम लोग किस प्रकार से करते हैं। तो चलते हैं कक्षा की शुरुआत की ओर और जानते हैं लिपि के बारे में, और उसके बाद कक्षा में हम लोग व्याकरण के बारे में भी जानेंगे। तो आज की कक्षा का हमारा विषय वस्तु है लिपि और व्याकरण। तो चलते हैं आज की कक्षा की शुरुआत की ओर। लिपि, अब आपके मन में प्रश्न उठता हो कि लिपि होती क्या है, तो जानते हैं लिपि क्या है। संसार में बोली जाने वाली प्रत्येक भाषा की एक निश्चित लिपि होती है। जैसे कि पिछली कक्षा में हमने पढ़ा भाषा क्या होती है, जिस प्रकार व्यक्ति अपने मन के भाव और विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है वो कहलाता है भाषा। और संसार में बोली जाने वाली प्रत्येक भाषा की क्या होती है, एक निश्चित लिपि होती है। हर भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। ये लिपि क्या है, जिस प्रकार भाषा का जन्म हुआ है, पर भाषा आई कहाँ से है, उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि लिपि क्या है। लिपि वो है जहाँ से भाषा का निर्माण हुआ है। भाषा, जिस प्रकार हम कुछ शब्द लिखते हैं, हिंदी एक शब्द है, तो इस भाषा का निर्माण, अच्छा इस वर्णों का प्रयोग हम कहाँ से किए, इस वर्णों का प्रयोग हम लिपि के माध्यम से करते हैं। जिस प्रकार लिपि एक संग्रह है, एक ऐसी मुद्रा है, ऐसा संग्रह है जहाँ पर हमारे भाषा का स्रोत वहाँ से आता है। तो हम कह सकते हैं कि संसार में प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। लिपि से ही भाषा का निर्माण होता है, वहीं से लिपि का प्रयोग होता है। जिस प्रकार हमारे अक्षर हैं, बहुत सारे हमारे वर्ण हैं, जैसे क, ख, ये सब का प्रयोग हम लोग भाषा में, मौखिक भाषा में इनका प्रयोग करते हैं, शब्द बनाकर इनका मौखिक भाषा में प्रयोग करते हैं। परंतु इनका चिन्हों का निर्माण कहाँ से हुआ है, इन चिन्हों का निर्माण इस लिपि के द्वारा ही हुआ है। हम लोग किस प्रकार से भाषा का प्रयोग करेंगे, उनका किस प्रकार भाषा का चिन्ह होगा, वही कहलाता है। उसका निर्माण किस कहाँ से हुआ है, इस लिपि के माध्यम से हुआ है। तो देखते हैं नीचे की लाइनों में, मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह को लिपि कहलाते हैं। कहने का क्या तात्पर्य है, यहाँ कहने का यह तात्पर्य है, जब हम मौखिक ध्वनियों को लिखते हैं, जब हम लिखित रूप में प्रयोग करते हैं, तो किस प्रकार उन चिन्हों का प्रयोग करेंगे, उन भाषा को किस प्रकार लिखेंगे, तो वो चिन्ह ही क्या कहलाते हैं, लिपि कहलाती है। अर्थात मैंने पहले भी बताया, जैसे कि हिंदी एक शब्द, हमने एक शब्द लिया, वो शब्द का निर्माण, वो किस प्रकार चिन्ह लिखा जाएगा, इस चिन्ह का निर्माण कहाँ से आया है, यह आया है लिपि के द्वारा आया है। प्रत्येक वर्णों का, चिन्हों का प्रयोग हम लोग कहाँ से करते हैं, ये लिपि के द्वारा किया जाता है। लिपि एक संग्रह है, जिस प्रकार एक संग्रह में सारे वर्णों का स्रोत मिलता है, वही संग्रह को हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। यहाँ पर सभी वर्णों का संग्रह इसमें।
है वही जिसका तब संग्रह पाया जाता है इसका नाम क्या हो गया, ये कहलाएगा आपका लिपि। जहां पर सभी वर्ण जो होते हैं वो सुरक्षित रूप में रहते हैं वो कहलाती है आपका लिपि। अब हम जानते हैं ये लिपि आखिर कौन कौन सी, हर भाषाओं की अपनी अपनी एक लिपि होती है, अपना अपना एक लिपि होती है हर भाषाओं की। तो जानते हैं कि हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है और अन्य भाषाओं की कौन कौन सी लिपि है, तो इसके बारे में आज की कक्षा में हम जानेंगे। नीचे कुछ भाषाओं की लिपियां दी गई है, सबकी हमने जाना अभी तक लिपि होती क्या है। अब नीचे ये यहाँ पर कुछ बताया गया है संदर्भ में कि हर भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है, तो हम जानेंगे कि अलग अलग भाषाओं की कौन कौन सी लिपि होती है। तो हिंदी, नेपाली, संस्कृत, मराठी की कौन सी लिपि है, इस लिपि का नाम क्या है, देवनागरी लिपि। अर्थात देवनागरी लिपि के माध्यम से हम अपनी भाषा को मौखिक रूप से लिखित रूप में बदलते हैं। और ये कहाँ से हमें मिली है, ये जो भाषा को हम लिखित रूप में जब लिखते हैं तो लिखित रूप का संग्रह हमें देवनागरी लिपि से ही मिलता है। अर्थात अपनी लिपि का, हिंदी लिपि का संग्रह देवनागरी से मिलता है। और भी बहुत सारी भाषाएं हैं जिसका संग्रह लिपि देवनागरी है, जिसमें नेपाली है, संस्कृत है और मराठी है। इन भाषाओं का भी संग्रह देवनागरी लिपि में मिलता है। आगे देखते हैं, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन और स्पेनिश, इन भाषाओं, हर भाषाओं को हमने जाना कि इन भाषाओं की अपनी अपनी लिपि होती है। तो इन फ्रांसीसी भाषाओं की अपनी लिपि कौन कौन सी है, तो उसकी लिपि है रोमन लिपि। और हिंदी भाषा की क्या है, देवनागरी लिपि। सबकी अपनी अपनी अलग अलग लिपि है, यानी कि अंग्रेजी भाषा के जो लेटर्स है वो कहाँ, उनका निर्माण कहाँ से हुआ है, रोमन लिपि के द्वारा हुआ है। उसी प्रकार उर्दू की भी अपनी एक लिपि होती है। उर्दू लिपि कहाँ से आई है, वो फारसी से आई है, ठीक है। उर्दू लिपि कहाँ से आई है, फारसी लिपि से उसका निर्माण हुआ है। पंजाबी जो हम भाषा बोलते हैं और लिखते हैं, उसका निर्माण किस लिपि से हुआ है, उसका निर्माण गुरुमुखी लिपि से हुआ है। तो हमने जाना कि लिपि क्या होती है, लिपि वो चिन्ह है जिस जहाँ से भाषा को हम लोग लेते हैं, चिन्ह अंकित रूप में उसको लिखते हैं तो वो कहलाता है लिपि। उसका चिन्हित रूप क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है। और अलग अलग भाषाओं की अपनी अपनी लिपि होती है। तो देवनागरी जो है हिंदी भाषा की लिपि है, अंग्रेजी की रोमन है, और उर्दू की फारसी और पंजाबी की गुरुमुखी लिपि है। तो इसके बारे में हमने समझा कि लिपि क्या है और उसका निर्माण कहाँ से हुआ है। तो आप समझ सकते होंगे, समझ गए हैं कि लिपि क्या है। लिपि वो चिन्ह है भाषा की जहाँ से लिपि आई है। जैसे हिंदी भाषा में हम लोग बहुत सारे वर्ण है, शब्द है, उसका निर्माण कहाँ से आया, वो चिन्ह कैसे पता चला लोगों को कि क ऐसे होता है, ख इस तरह से होता है, तो ये सब कैसे हमें जानकारी प्राप्त हुई, ये चिन्ह कहाँ से लिया गया है, ये सब लिया गया है लिपि के द्वारा। और हिंदी की लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। और अन्य अन्य भाषाओं की अपनी अपनी लिपि है, उसको इसके बारे में भी हमने आज की कक्षा में जाना। तो अब आपको कोई भी डाउट्स नहीं होंगे कि लिपि क्या है। लिपि क्या है, वो जहाँ पर मौखिक ध्वनियों को जब हम लिखित रूप में चिन्हित करते हैं वो ही कहलाता है लिपि। जब मौखिक भाषा को हम लिखित रूप में लिखते हैं वही लिपि कहलाता है। आगे हम जानते हैं, अभी तक हमने जाना लिपि क्या है, अब आपके संदर्भ में आएगा व्याकरण। अभी तक हमने जाना भाषा क्या है, उसके बाद जाना कि भाषा के बाद भाषा को बोलने के साथ साथ लिखते हैं तो वो लिखने का कहाँ से उत्पन्न हुआ है चिन्ह, तो वो चिन्ह उत्पन्न हुआ है लिपि से। अब आता है व्याकरण। व्याकरण बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है,
कैसे इस महत्वपूर्ण भाग है, माना क्या है, तो इनको हम जानेंगे। व्याकरण किस अर्थ में महत्वपूर्ण है? व्याकरण उस शास्त्र को कहा जाता है जिसमें हम भाषा को शुद्ध करने वाले नियमों की जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले व्याकरण क्यों इम्पोर्टेंट होता है? हम भाषा को लिखते हैं या बोलते हैं तो उसे शुद्ध शुद्ध रूप में नियमों के साथ बोलना या लिखना ही व्याकरण कहलाता है। भाषा को हम लोग शुद्ध रूप में लिखें और बोलें, इसकी जानकारी किसके माध्यम से चलती है? व्याकरण के माध्यम से चलती है। तो व्याकरण वो भाग है जिसमें हम लोग भाषा को शुद्ध शुद्ध रूप में लिखते और पढ़ते हैं। आगे देखते हैं, भाषा को परिमार्जित बनाने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। कहने का क्या तात्पर्य है? भाषा को हम लोग सही सही लिखने और पढ़ने के लिए बनाने तो उसके लिए हमें किसका ज्ञान आवश्यक है? व्याकरण का ज्ञान अति आवश्यक है। अगर हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो हम लोग भाषा को ना शुद्ध रूप से बोल सकते हैं, ना शुद्ध शुद्ध रूप से हम लिख सकते हैं। शुद्ध का मतलब है सटीक रूप से। व्याकरण के बिना हम ना तो शुद्ध बोल सकते हैं और ना ही शुद्ध लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया, अगर आपको व्याकरण की जानकारी नहीं होगी तो आप किस प्रकार से भाषा को शुद्ध बोल सकते हैं और शुद्ध शुद्ध लिख सकते हैं। आगे हम देखेंगे, व्याकरण और भाषा का परस्पर गहरा संबंध है। भाषा और व्याकरण का गहरा संबंध है। अगर भाषा व्याकरण के साथ जुड़ी ना हो तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो व्याकरण और भाषा का घनिष्ठ संबंध होता है। कैसे संबंध होता है? फॉर एग्जाम्पल हम मैं बताना चाहती हूँ, जैसे कि राम राम आम खाता है। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया तो इसमें भाषा है, इससे पता चल रहा है राम आम खाता है। इसमें व्याकरण का रूप इसके साथ संबंधित है। क्यों से संबंधित है? अगर हम भाषा को व्याकरण के साथ संबंध करके अगर लिखते हैं तो उसका मूल अर्थ निकलता है। अगर हमें व्याकरण का साथ उसका भाषा का संबंध ना हो तो वो उसका कोई अर्थ नहीं निकल पाता है। अगर उसी जगह हम लिख सकते हैं राम खाता खाता है आम, परंतु यहाँ हम देख सकते हैं कि इसका कोई ये व्याकरणिक रूप से ये इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है और ये इस जो है एग्जाम्पल राम आम खाता है इसका सटीक अर्थ हमें यहाँ पता चल रहा है। तो वही यहाँ पर व्यक्त किया जा रहा है कि अगर हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो हम भाषा को सही सही ना लिख सकते हैं ना हम बोल सकते हैं। तो भाषा के साथ व्याकरण का ज्ञान अति आवश्यक है। तो अब हम लोग जान गए कि व्याकरण का क्या महत्व है। व्याकरण वो शास्त्र है, परिभाषा इसकी देख लेते हैं हम लोग। व्याकरण उस शास्त्र को कहा जाता है जिसमें भाषा को शुद्ध रूप से लिखने तथा शुद्ध रूप से बोलने की हमें क्या होता है जानकारी प्राप्त होती है, नियमों की जानकारी प्राप्त होती है, वो कहलाता है व्याकरण। और व्याकरण का भाषा के साथ संबंध जरूरी है, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं भाषा का सही अर्थ निर्माण कर सकते, उसका अर्थ होता है। अगर भाषा के साथ व्याकरण ना जुड़ा हो तो उस शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, अब आते हैं अग्नि भाग की ओर। यहाँ तक आपको समझने में कठिनाई नहीं हुई होगी। अब आते हैं अगले भाग की ओर। अगले भाग में दिया क्या है? व्याकरण के भाग। व्याकरण के भी भाग होते हैं, उसे भी कई रूपों में बांटा गया है। तो उसके कितने भाग होते हैं तो आप इसे ध्यान से पूर्वक समझ सकते हैं कि व्याकरण के तीन भाग
है। आप इसे अंडरलाइन लगा लीजिए। टेक्स्ट बुक में व्याकरण के तीन भाग होते हैं कुल। पहला है वर्ण विचार, शब्द विचार दूसरा है, और तीसरा है वाक्य विचार। तो यहाँ पर वर्ण विचार क्या है, शब्द विचार क्या है और वाक्य विचार क्या है? आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा, वर्ण शब्द और वाक्य विचार में ये सब व्याकरण के तो भाग। सबसे पहले पहले भाग की ओर चलते हैं, वर्ण विचार। वर्ण का मतलब तो आप सब जानते होंगे कि हमारे हिंदी संग्रह में हमारी शुरुआत जो होती है वर्णों के साथ होती है। इस प्रकार क, ख, ये सब हमारे अ, ये सब हमारे स्वर और व्यंजन मिला के ये हमारे सब वर्ण हैं। और इन वर्णों का क्या बताया गया है, व्याकरण के जिस भाग में वर्णों के विषय में विचार किया जाता है उसे क्या कहते हैं, वर्ण विचार कहते हैं। अर्थात व्याकरण लिखते समय हमें वर्णों पर विशेष रूप से विचार करना चाहिए। अगर हमारे वर्ण सटीक ना हो, अगर हमारे वर्ण अगर सही रूप से ना हो तो उस व्याकरण उस वाक्य का कोई अर्थ ना निकलता होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, यहाँ राम लिखा हुआ है तो यहाँ पर व्याकरण का सटीक वर्णन, वर्णों का सटीक वर्णन किया गया है तो इसका एक अर्थ निकलता है राम। उसी तरह अगर हम दूसरा शब्द लिख सकते हैं, जैसे यहाँ हम लिखे आम, आम का भी एक अपना अर्थ है। उसी तरह अगर हम लोग वर्णों को अगर आगे पीछे कर दे तो मा का कोई अर्थ नहीं होता है, कोई अर्थ इसका नहीं निकल पाता है। तो वही कहा गया, अगर व्याकरण में जिस भाग में वर्णों के विषय में विचार किया जाता है, अगर वर्ण सही नहीं होते तो व्याकरण का कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो व्याकरण के जिस भाग में वर्णों के विषय में विचार किया जाता है उसे क्या कहते हैं, वर्ण विचार। वर्णों के वर्णों का सही प्रयोग ही वर्ण विचार कहलाता है। ये व्याकरण में सबसे प्रथम भाग में आते हैं। सबसे पहले वर्णों को सही लिखना व्याकरण का प्रथम भाग कहलाता है। दूसरा है शब्द। अब हमने जाना कि वर्ण क्या होते हैं, वर्णों का सही प्रयोग क्या है। अब आते शब्द। शब्द हम बनाते हैं तो व्याकरण के जिस भाग में शब्दों के विषय में विचार किया जाता है उसे शब्द विचार कहते हैं। अर्थात व्याकरण लिखते समय शब्दों के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए वो होता है शब्द विचार। जैसे कि अगर हम लोग कोई शब्द लिख रहे हैं, शब्दों का सही अर्थ निकले वो व्याकरण का सटीक रूप है। तो व्याकरण में विचार किया जाता है वो होता है शब्द विचार। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एक शब्द लिखा किसान। किसान एक शब्द है, इसका अपना एक अर्थ है। उसी प्रकार हम लोग किसी भी तरह एक शब्द बनाए, ठीक है, तो ये उसी तरह हम वर्णों को अगर उलट कर लिखते और ना साकी लिख दे इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता, इस शब्द का कोई अर्थ ही नहीं बनता है। तो इसीलिए बताया गया है कि व्याकरण को जब भी लिखने के लिए शब्दों का सही प्रयोग होना आवश्यक है। व्याकरण के जिस भाग में शब्दों के पर विचार किया जाए वो क्या कहलाता है, शब्द विचार कहलाता है। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार। अब हम लोग शब्द सीख गए, अब आता है वाक्य। वाक्य क्या है, व्याकरण के जिस भाग में वाक्यों के विषय में विचार किया जाए उसे क्या कहते हैं, वाक्य विचार कहते हैं। अब हमने शब्द सीख लिया, अब आता है वाक्य। वाक्य हम अगर हैं फॉर एग्जाम्पल सीता गाना गाती है, इस वाक्य का एक अर्थ है क्योंकि इसमें व्याकरण का रूप समाहित है। परंतु उसी के आधार पर अगर हम लोग व्याकरण का सही रूप पर विचार न करें, अगर यहाँ पर हम लोग लिखे गाना है गाती सीता, इस वाक्य का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो जिस वाक्य में
जिस भाव में के विषय में वाक्य का सही सही प्रयोग हो, जिस व्याकरण के रूप में वाक्य का सही सही प्रयोग हो, वो कहलाता है वाक्य विचार। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि व्याकरण क्या है। व्याकरण भाषा का वो रूप है जिसे हम शुद्ध शुद्ध बोलना और लिखना सीखते हैं और सही इसका प्रयोग होता है। भाषा और व्याकरण का गहन अध्ययन संबंध होता है। अगर भाषा में एक व्याकरण ना जुड़ा हो तो भाषा का कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। आगे हमने जाना व्याकरण के तीन भाग होते हैं। अगर इस व्याकरण को लिखा, अगर हम लोग भाषा में व्याकरण का प्रयोग करें तो तीन भाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो इस प्रकार से हमने जाना कि भाषा के अलग अलग व्याकरण के अलग अलग रूपों को। अब देख सकते हैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें व्यक्त की गई है कि भाव के आदान प्रदान का माध्यम भाषा कहलाता। हमने जाना कि भाषा क्या है, भाव के आदान प्रदान को हम भाषा कहते हैं। भाषा दो प्रकार के होते हैं, कल हमने पढ़ा था, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा का प्रयोग पढ़े लिखे और अनपढ़ लोग दोनों लोग कर सकते हैं मौखिक भाषा का प्रयोग। लिखित भाषा का प्रयोग केवल पढ़े लिखे ही कर सकते हैं, क्योंकि लिखित भाषा को लिखने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता होनी जरूरी है। हमारे देश के संविधान में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता दिया गया है, कल ही हमने जाना था 22 भाषाओं को। हमारे देश की राजभाषा और राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी है। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देश के लगभग 50% लोग क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। व्याकरण में हमें शुद्ध बोलने, पढ़ने और लिखने के नियमों का ज्ञान होना आवश्यक है। बहुमूल्य बातों को हम ध्यान में रखेंगे और अपनी कॉपी में इसे लिखते हुए चलेंगे। अगले भाग में हम थोड़ा कुछ और प्रश्न है उसको देख लेते हैं। कुछ मौखिक प्रश्न दिए गए, भाषा के कितने रूप होते हैं, तो आप सब बताएंगे भाषा का कितने रूप होते हैं। तो इसे आप अपने पुस्तक में लिखेंगे, कॉपी में करेंगे, भाषा के कितने रूप होते हैं, तो भाषा के कुल दो रूप होते हैं। व्याकरण के कितने भेद होते हैं, तो व्याकरण के अभी हमने जाना व्याकरण के कुल तीन भेद होते हैं। हमारी राज्य भाषा क्या है, हमारी राज्य भाषा वो है हिंदी। हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। तो इस भाग को, अगले भाग को आप लोग अपनी कॉपी में भी कार्य के रूप में करेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, सही गलत और प्रश्न अभ्यास को। तो आज की कक्षा में हमने जाना कि भाषा क्या है और लिपि क्या है एवं व्याकरण का प्रयोग भाषा के साथ किस प्रकार से करते हैं। तो आज की कक्षा में हमने व्याकरण के तीनों भाग को पढ़ा और आप सब अपने गृह कार्य में इन सब के अगले भागों को आप लोग करेंगे। तो आज की कक्षा को मैं ही विराम देती हूँ। धन्यवाद।